आज की लिस्ट में हम उन्हीं मूवी को लिए हैं जिनके कॉन्सेप्ट आउट ऑफ द बॉक्स है, मूवी खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में रह जाए और आपकी सोच बदलकर आपकी मूवी देखने का एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर इंटरटेन कर हमें कुछ सिखा जाए। लेकिन ऐसा हो सकता है आपकी पसंद की जॉनर आपकी पसंद की मूवी से। तो आज के रिव्यू में हम ऐसे ही टॉप 10 बेस्ट साईफाई मूवी लाए हैं जो एक से बढ़कर एक है। और खुशी की बात है, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कुछ बोनस मूवी के बारे में बताएंगे जो हमेशा की तरह इस लिस्ट से भी एक लेवल ऊपर होगा। तो बोनस मूवी को कभी भी मिस मत करिएगा। ऐसे ही क्वालिटी कॉन्टेंट हम ढूंढ कर आप तक लाते रहते हैं। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। और भरोसा रखिए, इस चैनल पे अपनी क्वालिटी कंटेंट से आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो चलिए इतने बड़े मूवी के समंदर से कुछ बेस्ट मूवी को एक्सपीरियंस करते हैं। नंबर 7 की मूवी में सबकी फेवरेट लियोनार्डो डिकैप्रियो और ब्यूटीफुल जेनिफर लॉरेंस हो तो ऐसी मूवी को देखना कौन नहीं चाहेगा, 2021 की, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया डिजास्टर कॉमेडी के साथ डोंट लुक अप। स्टोरी दो एस्ट्रोनॉमर की है जिन्होंने एक ऐसी कॉमेट का पता लगाया है जो 6 किलोमीटर चौड़ा है और मूवी का ट्विस्ट तो ये है कि वो तेजी से धरती की ओर गिर रहा है। अगर धरती से टकराता है तो पूरी धरती तबाह हो जाएगी। मूवी में आपको यही देखना है कि किस हद तक ये दो एस्ट्रोनॉमर इस धरती को बचाने की कोशिश करते हैं। बात करें मूवी की सबसे बेस्ट पॉइंट की तो नो डाउट मूवी आपको लास्ट तक हुक करके रखती है। मूवी में ऐसी दो ऑस्कर विनर लीजेंड एक्टर हो तो उस मूवी की एक्टिंग कमाल की होगी। बस हमको इसका एंडिंग थोड़ा डिसअपॉइंट किया, इतने अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ विजुअली थोड़ा सरप्राइज करना चाहिए था। हो सकता है इस मूवी से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे थे, लेकिन कोई नहीं, इन दोनों लीजेंड एक्टर के लिए मूवी को बेहिचक देखिए। मूवी नेटफ्लिक्स पे आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 की मूवी ने तो एक कोमा पेशेंट की दिमाग की सोच को हमारे सामने रख डाली। 2019 की एकदम खतरनाक कॉन्सेप्ट साईफाई एक्शन के साथ कोमा। मूवी की स्टोरी 100% तो परफेक्ट नहीं बोलेंगे पर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जरूर कहेंगे। मूवी की स्टोरी सीधा आपको कोमा पेशेंट की दुनिया में ले जाएगी। एक पेशेंट कोमा में जाने के बाद उनकी फीलिंग, उनकी इमेजिनेशन, उनके दिमाग क्या सोचता है और क्या करना चाहता है, ये मूवी आपको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करती है। हालांकि ये सारी इमेजिनेशन है। बात करें नेगेटिव पॉइंट की तो मूवी हमें कैरेक्टर से इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं करा पाती, नहीं तो ये मूवी टॉप नॉच लेवल पे होता। लेकिन इसके खतरनाक कॉन्सेप्ट के लिए मूवी को एक ट्राई जरूर दीजिएगा। मूवी Amazon Prime Video पे अवेलेबल है। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की मूवी, गेम की टूर्नामेंट मारो या सर्वाइव करो, ऐसी कॉन्सेप्ट की मूवी में एक्शन नहीं भाई तबाही होता है और ऐसी मूवी को देखने का एक्सपीरियंस ही कुछ और होती है। 2009 की साईफाई एक्शन एकदम तोड़फोड़ के साथ द टूर्नामेंट, ऐसी मूवी को एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए भाई। नंबर 5 की मूवी वो गेमिंग वाली दुनिया, हर एक वेपन में आरजीबी लाइट, उन सभी के ऊपर दिल को सुकून देने वाली इसके एक्शन सीन ने तो मूवी देखने का मजा ही दुगनी कर दी। 2010 की साईफाई एक्शन के साथ टॉर्न लेगेसी, भाई क्या मूवी है। उसके बाद से भाई वो गेमिंग वाली सिनेमेटोग्राफी, वो आरजीबी लाइट के साथ फाइट सीन देखकर आपको गेमिंग वाली वेब आप में जरूर आएगी। मूवी के स्टोरी में तो दम नहीं है पर इसके एक्शन सीन आपको 100% सेटिस्फाई करेगी। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, एक ट्राई देकर देखिए इस मूवी को, इसके एक्शन सीन देखकर मजा आ जाएगा। नंबर 4 की मूवी एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसे बॉडी में इंस्टॉल करने से आपकी बॉडी की एबिलिटी 100 टाइम से 1000 टाइम बढ़ जाए तो कितना अच्छा होगा ना। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये मूवी। 2018 की साईफाई एक्शन के साथ अपग्रेड, मूवी की स्टोरी एक पैरालाइज इंसान में एक एडवांस कंप्यूटर चिप को इम्प्लांट किया जाता है ताकि उसकी टेक्नोलॉजी आपके दिमाग को कंट्रोल कर आपकी बॉडी का मूवमेंट को कंट्रोल कर सके, है ना खतरनाक टेक्नोलॉजी। उसके बाद से मूवी में शुरू होता है रिवेंज का खेल। मूवी की सबसे खास बात है इसके कॉन्सेप्ट, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी हमारी इस रियल दुनिया में डेवलप किया जाए तो साइंस की दुनिया में सबसे बड़ी खोज हो सकती है। मूवी को इसके एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए एक बार जरूर देखिएगा। मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की मूवी ने तो हमें पूरी तरह से सरप्राइज किया। पबजी लवर के लिए ये मूवी कोई सेलिब्रेशन से कम नहीं होगा। 2014 से 2018 तक टोटल 3 मूवी की कलेक्शन है। साईफाई एक्शन के साथ द मेज रनर, क्या ही मूवी है भाई, एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए ऐसी मूवी को, मजा ना आए तब बताइएगा। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 की मूवी, यार क्या खतरनाक जबरदस्त तोड़फोड़ मूवी है भाई, क्या कार एक्शन सीन है जिसने कार रेसिंग मूवी देखने का टेस्ट ही बदल दिया। 2008 से 2018 तक टोटल 4 मूवी का कलेक्शन है। साईफाई एक्शन के साथ डेथ रेस,
जेल के कैदियों से दुनिया का सबसे खतरनाक कार रेसिंग कराना, आपकी गाड़ियों में खतरनाक वेपन, मिसाइल गन, मशीन गन और कई सारे खतरनाक फीचर, जिस रेस में आपकी जान की कीमत एक रद्दी के बराबर भी नहीं है। अगर आप जीते तो जेल से आपको रिहा कर दिया जाएगा। मूवी की सबसे खास बात लगी इसके कार रेसिंग सीन, एकदम नेक्स्ट लेवल का। आपको एक पल के लिए भी ये मूवी आपको स्क्रीन से नजरें ना हटाने देगी। ऐसी मूवी को एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए भाई, मजा आएगा। नंबर 2 की मूवी यार साईफाई जॉनरा में एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया, हमारी सोच से भी एक लेवल ऊपर दिखाती है ये मूवी। 2018 की खतरनाक जबरदस्त साईफाई एक्शन के साथ मोटल इंजन। इस मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बता, जिसने पूरी सिटी को मोटर इंजन में बदल कर एक चलता फिरता शहर बना दिया, तो आप सोच लीजिए मूवी का कॉन्सेप्ट कितना फ्यूचरिस्टिक होगा। और सच में भाई इस मूवी के एक विजुअल सीन ऐसा ना होगा जो आपकी आंखों को पसंद ना आए। एक चलता फिरता सिटी, इसके सिनेमेटोग्राफी के बारे में क्या बता, एक एक सीन आपके दिमाग में छप जाएगी। ऊपर से इसके बैकग्राउंड म्यूजिक यार आपके सारे रोंगटे खड़े कर मूवी देखने का मजा चारगुनी कर देती है। ऐसी खतरनाक कॉन्सेप्ट भाई हॉलीवुड वालों के दिमाग में आता कहां से है, और आता भी है तो इतने परफेक्ट तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट कैसे कर लेते हैं। ऐसी मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किए हैं तो जाकर अभी करिए, मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 2 की मूवी यार जिसके स्टोरी लाइन में दम हो, जिसके एक्शन सीन सीधा हमारे दिलों में बस जाए, और सबसे बड़ी बात उस फिल्म में ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑस्कर विनर जेनिफर लॉरेंस हो, तो वो सिर्फ मूवी नहीं हमारे लिए इमोशन से कम नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2012 से 2015 तक टोटल 4 मूवी सीरीज का कलेक्शन साईफाई एक्शन के साथ जेनिफर लॉरेंस की द हंगर गेम। इस मूवी को एक बार देखना चालू करिए, हम आपको यकीन दिलाते हैं जेनिफर लॉरेंस की सिंप्लिसिटी से आपको प्यार हो जाएगा। नंबर 1 की मूवी यार क्रिस्टोफर नॉलन की इमेजिनेशन, उनकी कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बताए, ये सिर्फ मूवी नहीं बनाते भाई, उससे भी एक लेवल ऊपर। इनके डायरेक्शन में इतना दम होता है कि चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, इनकी डायरेक्शन ऐड कर दिया जाए तो वो मूवी खुद का खुद मास्टरपीस बन जाती है। 2014 की साईफाई एडवेंचर जिसने एक ऑस्कर अवार्ड भी जीता, मास्टरपीस मूवी क्रिस्टोफर नॉलन की इंटरस्टेलर, क्या मूवी है भाई। ऐसी फ्यूचरिस्टिक मूवी को समझने के लिए आपको अपने दिमाग को हाईएस्ट लेवल पे ले जाकर समझना होगा। ऐसी खतरनाक मूवी के स्टोरी के बारे में क्या बताएं, बस इतना जान लीजिए कि एक अदर लिविंग प्लेनेट ढूंढने की एपिक एडवेंचर जर्नी है, जिसमें भाई टाइम ट्रेवल, ब्लैक होल, 5 डायमेंशन जैसी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है। तो ऑब्वियसली इस मूवी को समझने के लिए आपको हाईएस्ट लेवल पे जाना होगा, और जब जब इनके बीच वो बैकग्राउंड म्यूजिक भाई लिटरली आपको फील कराएगी कि आप स्पेस में हैं। ये मूवी उन मूवी में से है भाई जिसने साईफाई जॉनरा में रिकॉर्ड सेट कर दिया। ऐसी मूवी के बारे में बताने के लिए पूरी वीडियो छोटी पड़ जाएगी, अपने दिमाग को फोकस्ड कर एक बार ऐसी एपिक मास्टरपीस मूवी को एक्सपीरियंस करके देखिए। मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। ऐसे ही खतरनाक क्वालिटी कंटेंट के लिए भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो ये गलत बात है। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।